हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पिक्चर अभी बाकी है। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है द फॉल ऑफ द अमेरिकन एम्पायर। ये मूवी एक बहुत ही अच्छी कॉमेडी क्राइम थ्रिलर मूवी है। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 6.9 है और रॉटेन टमेटो पर यह मूवी 60% तक फ्रेश है। तो मूवी की रेटिंग देखकर तो आप लोगों को अंदाजा लग ही गया होगा कि यह मूवी काफी अच्छी होने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ आप लोगों ने अभी तक भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम पियर ए पॉल डाउस नाम के लड़के को देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। तब लिंडा पॉल से कहती है, यदि तुम इतने इंटेलिजेंट हो तो तुम किसी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट क्यों नहीं हो या किसी बैंक के बड़े अफसर क्यों नहीं हो। तब पॉल कहता है, इंटेलिजेंट ही काफी नहीं है कामयाब होने के लिए। मेरे जैसे कई सारे इंटेलिजेंट लोग भरे पड़े हैं जो अपनी जिंदगी में छोटे मोटे काम करते हैं। तब लिंडा कहती है, लेकिन मुझे पैसा बहुत पसंद है, मैं अपने बच्चों को ट्रिप पर ले जाना चाहती हूँ। तब पॉल कहता है, एक दिन ऐसा जरूर आएगा। तब लिंडा कहती है, तो तुम्हें लगता मैं स्टूपिड हूँ जो उस दिन के आने का वेट करूंगी। हम लोग 2.5 साल से साथ में है और आज तक तुमने मुझे आई लव यू भी नहीं बोला। इस तरह से मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और आगे ये सब नहीं चल सकता। यह बोलकर लिंडा रेस्टोरेंट से निकल जाती है और पॉल को बहुत अफसोस होता है क्योंकि उसकी जिंदगी में लिंडा ही थी और वो भी उसे छोड़कर चली गई थी। क्योंकि पॉल के पास ज्यादा पैसा नहीं था, वो एक नॉर्मल डिलीवरी बॉय का काम करके अपना घर चलाया करता था। तो मूवी के अगले सीन में हमें चेनियर अगस्टिन और जैकमेल नाम के लड़कों को दिखाया जाता है। ये दोनों अपनी कार में जा रहे होते हैं और अपनी गाड़ी एक दूसरी कार के पास रोककर उस गाड़ी का मॉडल नंबर का फोटो ले लेते हैं और आगे चेनियर अगस्टिन नाम का लड़का कंप्यूटर से उस कार की डुप्लीकेट की बना लेता है। आगे अगस्टिन और जैकमेल अपनी कार वहीं पर खड़ी करके उस दूसरी कार का लॉक खोल के उसे चुरा कर वहां से ले जाते है। कार लेकर वो दोनों हॉलीवुड फैशन नाम के एक स्टोर पर जाते है और अपने चेहरे पर मास्क पहनकर स्टोर के अंदर जाकर स्टोर के अंदर मौजूद दो लोगों पर गन अड़ा देते है। वो दोनों अपने साथ बैग भी लाए थे तो उन दो लड़कों को लॉकर रूम से उनके बैग में पैसा भरने के लिए कहते। तब वो दोनों लड़के भी चुपचाप उन दोनों की बात मानकर बैग में नोटों की गड्डियां भरने लगते। तभी स्टोर के बाहर एक आदमी अपनी कार से आकर स्टोर के अंदर देखने लगता है। तब उसे स्टोर के अंदर कुछ गड़बड़ नजर आता है। तब वो आदमी स्टोर के पीछे जाता है। तब तक अगस्टिन और जैकमेल ने उन दोनों लड़कों से बैग में पैसा भरवा लिया था और वो दोनों उन लड़कों के हाथ पांव बांधकर मुंह पर टेप लगा देते हैं। तब तक निक नाम का वो आदमी भी स्टोर के पीछे जाकर अपनी कार से अपनी गन निकाल लेता है और वो चुपके से स्टोर के पीछे वाले दरवाजे से स्टोर के अंदर एंटर हो जाता है। आगे पॉल भी अपने डिलीवरी वैन लेकर स्टोर के बाहर पहुंच जाता है, उसे कुछ डिलीवर करना था। पॉल वैन का गेट ओपन करके उसके अंदर से डॉक्यूमेंट निकालने लगता है। निक भी अंदर पहुंच चुका था और वो अगस्टिन और जैकमेल को अंदर देख लेता है। निक अंदर पहुंचकर जैकमेल को हथियार नीचे फेंकने के लिए कहता है, पर उसी वक्त रूम में मौजूद अगस्टिन निक पर गोलियां चलाने लगता है। बदले में निक भी अगस्टिन पर गोलियां चलाने लगता है और अगस्टिन बुरी तरह से घायल हो जाता है। तब तक एक बैग उठाकर जैकमेल स्टोर से भागने लगा था, पर तभी निक बाहर आकर जैकमेल पर फायरिंग करता है और जैकमेल वहीं गिर जाता है। जैकमेल के पास ही वैन के पीछे पॉल भी खड़ा हुआ था और उसे भी गोलियों की आवाजें आ रही थी। उसी वक्त घायल अगस्टिन स्टोर के अंदर से निक पर गोलियां चलाता है। निक बुरी तरह से घायल हो चुका था और वो गोलियां चलाते हुए वहीं पर गिर जाता है। दूसरी तरफ स्टोर के बाहर जैकमेल को भी गोली लग चुकी थी और वो बैग छोड़कर वहां से भागने लगता है। स्टोर के अंदर अगस्टिन बुरी तरह से घायल हो चुका था, पर वो किसी भी तरह से अपना पैसों का बैग लेकर स्टोर के बाहर आने लगता है और थोड़ी दूर आकर अगस्टिन भी बाहर आकर मारा जाता है। ये सब वहां पर खड़ा हुआ पॉल भी देख रहा था और वो ये सब देखकर घबरा गया था। पॉल को समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। तभी पॉल वेन के पास मौजूद बैग के पास जाता है तो उसमें उसे काफी सारा कैश दिखाई दे रहा था। पॉल अपने आसपास नजर घुमाता है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा और उसके बाद पॉल कुछ सोचकर जल्दी जल्दी में उस बैग को उठाकर अपनी वैन में रख लेता है। एक बैग को उठाकर रखने के बाद पॉल दूसरे बैग के पास जाकर उसे भी उठाकर जल्दी जल्दी अपनी वैन में रखने लगता है। पर तभी पॉल को पुलिस का सायरन भी सुनाई आने लगा था और पॉल उन दोनों बैग को डिलीवरी बॉक्स के पीछे छिपा देता है। पॉल दरवाजा बंद करता है, पर तब तक पुलिस वहां पर पहुंचकर पॉल को अपने हाथ खड़े करने के लिए कहती है। पॉल भी चुपचाप वैन के सहारे अपने हाथ खड़े कर खड़ा हो जाता है। तब तक वहां पर और पुलिस पहुंच जाती है और क्राइम सीन का मुआयना करने लगती है।
दूसरी तरफ जैकमेल के पांव में भी गोली लग चुकी थी और वो लंगड़ाता हुआ किसी तरह अपनी कार तक पहुंचकर अपनी कार लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर पीट क्राइम सीन पर पॉल से सवाल कर रहा होता है। तब पॉल कहता है, मैं यहाँ पर अपनी वैन लेकर आया था डिलीवरी करने के लिए, तब मुझे यहाँ पर गोलियां चलने की आवाज आई और कुछ ही समय बाद यहाँ पर पुलिस भी आ गई। तब पीट कहता है, तो तुमने यहाँ से किसी को भागते हुए नहीं देखा? पॉल कहता है, नहीं मैंने नहीं देखा। तभी पॉल का फोन बजने लगता है और पॉल सामने वाले से बात करने लगता है। तभी वहाँ खड़ी पुलिस ऑफिसर कार्ला वैन का दरवाजा ओपन करके देखने लगती है। तब तक वहाँ पर व्लादिमीर फ्रांसिस नाम का आदमी अपनी कार लेकर पहुंच जाता है और वो कार से उतरते ही पुलिस से पूछता है, यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? तब पीट व्लादिमीर के पास जाकर कहता है, यहाँ पर रॉबरी हुई है और तुम्हारा बॉडीगार्ड इसमें मारा गया है। व्लादिमीर कहता है, वो मेरा बॉडीगार्ड नहीं था बल्कि चीफ सिक्योरिटी था। पीट कहता है, पर वो मारा गया, यहाँ के लॉकर रूम में तुम्हारा कितना पैसा रखा था? तब व्लादिमीर कहता है, मुझे ठीक से नहीं पता। तब वहीं खड़ा जिन कहता है, पर अभी तो तुम्हारा लॉकर पूरी तरह से खाली है। ये सुनकर व्लादिमीर को झटका लगता है क्योंकि उसके लॉकर में तो काफी सारा पैसा था। पॉल भी वहां पर खड़ा हुआ व्लादिमीर और पुलिस की बातों को सुन रहा था और पॉल समझ जाता है कि यह सारा पैसा दो नंबर का था। आगे हमें एक क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर प्रोफेसर स्टूडेंट को सिखा रहे थे कि वो किस तरह से टैक्स प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं, किस तरह से वो कनाडा से आसानी से अपना पैसा दूसरी कंट्री के बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। उस क्लास में सिल्वेन नाम का आदमी भी मौजूद था जो इन सब बातों के नोट्स बना रहा था। आगे सिल्वेन क्लास खत्म होने के बाद क्लास के बाहर आता है। तभी कॉलेज के बाहर एक वैन आकर रुकती है। यह वैन एक्चुअल में पुलिस वैन थी जिसमें सिल्वेन जाकर बैठ जाता है और आगे वो वैन जेल में जाती है जिस वैन में सिल्वेन बंद था। एक्चुअल में सिल्वेन जाना मना अपराधी था पर वो अपना एजुकेशन पूरा कर रहा था। दूसरी तरफ वैन में उन पैसों से भरे बैग को लेकर पॉल सीधा अपने घर पर जाता है। पॉल पैसों के बैग को पीछे का दरवाजा खोलकर बाहर निकालने वाला था पर तभी उसे कुछ ध्यान आता है। तब पॉल वापस वैन के आगे जाकर उन पैसों से भरे बैग को आगे की तरफ से निकालता है और पॉल उन दोनों ही बैग को अपने घर में ले आता है। डिलीवरी कंपनी के एम्प्लॉय वैन की लोकेशन पर नजर रख रहे थे और वो पॉल को कॉल करके सवाल करते हैं, तुम अभी अपने घर पर क्यों गए? तब पॉल कहता है, मेरे कपड़े खराब हो चुके थे इसलिए मैं चेंज करने के लिए आया था, मैं बस जल्दी यहाँ से निकल रहा हूँ अगली डिलीवरी देने के लिए। अब रात हो चुकी थी और पॉल भी अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर पहुंच चुका था। पॉल के सामने वो पैसों का बैग खुला हुआ था और पॉल को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगा। तभी पॉल को एक आइडिया आता है और वो उस बैग से कुछ पैसा निकालकर अपने ड्रॉअर में रख देता है और बाकी पैसों से भरे दोनों बैग लेकर अपनी गाड़ी में कहीं जाने लगता है। और आगे पॉल उन पैसों से भरे बैग को लेकर स्टोरेज शॉप तक पहुंचता है। वहां पर एक शॉप रेंट पर लेकर पॉल उन दोनों बैग को स्टोरेज शॉप में रख देता है और ताला लगाकर वहां से निकल जाता है। आगे पॉल कम्युनिटी किचन में होता है जहां पर वो होमलेस लोगों को खाना खिलाने का काम कर रहा था। पॉल अक्सर अपनी जॉब के बाद होमलेस लोगों के लिए वॉलंटरी काम किया करता था ताकि होमलेस लोगों की थोड़ी मदद की जा सके। आगे पॉल अपने दोस्त के साथ एक बार में बैठा हुआ था। पॉल का दोस्त भी उसकी तरह होमलेस लोगों के लिए काम को वॉलंटियर किया करता था। तब पॉल अपने दोस्त से कहता है, तुम्हें पता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किसकी है? इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पैसों की है। पैसों के बगैर हमारी कोई वैल्यू नहीं, हमसे किसी को कोई मतलब नहीं। तब पॉल का दोस्त कहता है, मेरा तो बस एक ही सपना है कि मेरा खुद का अपना घर हो, उस घर में बस इतनी सी जगह हो कि मैं अपने लिए कुछ बना सकूं और बेड पे आराम से सो सकूं। क्योंकि जब मैं नवंबर में रातें किसी स्टोर के बाहर गुजारता हूं, तो वहां पर बहुत ठंड लगती है और बेमौसम बरसात भी होने लगती है, इसलिए बिना घर के रातें गुजारना मेरे लिए बुरे सपने से कम नहीं। पॉल अपने दोस्त की बातें ध्यान से सुनी रहा था तभी टीवी पर एक न्यूज चल रही थी जिस न्यूज में बताया जा रहा था अपराधी सिल्वेन बिग्रास को जेल से छोड़ दिया गया है। सिल्वेन बिग्रास को 9 साल की सजा सुनाई गई थी। सिल्वेन बिग्रास पर धमकी देने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप थे। बिग्रास का दिमाग काफी तेज था इसलिए डिपार्टमेंट ने उसे एजुकेशन के लिए भी अलाउ किया था और बिग्रास ने जेल में रहते हुए बीए फाइनेंस की डिग्री ली। पॉल भी ये न्यूज देख रहा था और वो समझ गया था कि सिल्वेन बिग्रास ही वो आदमी है जो उसकी मदद कर सकता है। आगे सिल्वेन बिग्रास की जेल से रिहाई होती है और वो जेल से बाहर आता है और आगे जाकर बस का वेट करने लगता है। तब पॉल भी अपनी गाड़ी सिल्वेन के पास जाकर रोकता है और वो सिल्वेन को एक कागज पर अपना नाम और नंबर लिख कर देता है और पॉल कहता है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, अगर तुम तैयार हो तो मुझे इस नंबर पर कॉल करना। आगे पुलिस ऑफिसर कार्ला और पुलिस ऑफिसर पीट जैकमेल के घर पर जाकर उसकी मॉम से मिलते हैं। तब कार्ला कहती है, क्या आपका बेटा भी घर पर है?
तब जैकमेल की मॉम कहती है नहीं वो अभी घर पर नहीं है, वो कभी कभी घर पर आता है। तब कार्ला कहती है क्या आप चेनियर अगस्टिन को जानते हो? चेनियर अगस्टिन आपके बेटे जैकमेल का जेल में बहुत अच्छा दोस्त रह चुका था और अब वो गोलीबारी में मारा गया है, क्या आप बता सकती हो आपका बेटा आखिरी बार चेनियर अगस्टिन से कब मिला था? तब जैकमेल की मॉम पुलिस को कोई जवाब नहीं देती। तब कार्ला जैकमेल की मॉम को अपना कार्ड देकर वहां से निकल जाती है। जैकमेल भी उस समय घर में था और उसकी मॉम उसे कार्ड दे देती है। दूसरी तरफ पॉल कुछ लड़कियों के वीडियो देख रहा था जिन्हें वो अपने घर पर बुला सके एंजॉय करने के लिए। तभी पॉल को एक लड़की की वेबसाइट दिखाई देती है और पॉल उस लड़की को ईमेल करके अपने घर बुला लेता है। आगे सिल्वियन बिग्रॉस नाम के उस आदमी को पॉल की बातों में इंटरेस्ट आता है और वो पॉल को मिलने के लिए बुलाता है। सिल्वियन बिग्रॉस पॉल से कहता है तुम्हारे पास कितना पैसा है जिसकी तुम मुझसे बात कर रहे थे? तब पॉल कहता है मुझे ठीक से पता नहीं क्योंकि मैंने उसे काउंट नहीं किया। ये सुनकर सिल्वियन थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो पॉल से उसका पेन लेकर एक पेपर पर अपना नंबर लिखते हुए कहता है देखो पहले तुम मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट दिखाओ, अपना बैंक स्टेटमेंट बताओ, अगर तुम इन सब के लिए तैयार हो तभी मुझे इस नंबर पर कॉल करना। यह कहकर सिल्वियन बिग्रॉस वहां से निकल जाता है। आगे पॉल के घर पर वही लड़की आती है जिसे पॉल ने ईमेल लिखकर अपने घर पर बुलवाया था। पॉल उस लड़की से कहता है क्या आपका नाम ही एस्पासिया है? तब वो लड़की हाँ का इशारा करके कार में बैठे आदमी के बारे में पॉल को बताती है। एस्पासिया कहती है कार में जो आदमी बैठा है वो मेरा पर्सनल ट्रेनर है, वो ब्लैक बेल्ट है और मेरे पास पैनिक बटन है। यह कहकर एस्पासिया घर के अंदर एंटर हो जाती है। घर के अंदर आने के बाद पॉल कहता है यदि मैं कुछ भी तुम्हारे साथ करूंगा तो क्या तुम पैनिक बटन दबा दोगी? तब एस्पासिया कहती है ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ प्रिकॉशन के लिए है। तब पॉल कहता है तो फिर ठीक है, नहीं तो मैं तो घबरा ही गया था, क्या मैं आपको पहले पेमेंट दे दूं? तब एस्पासिया कहती है मैंने आपको मैसेज करा था, आप जो भी पेमेंट मुझे देंगे उसे एनवलप में पैक करके अपने टेबल पर रख दीजिएगा। ये बात सुनकर पॉल अपने ड्रॉअर से पैसा निकालकर एनवलप में डालने लगता है। तभी एस्पासिया वहां पर आकर पॉल को ड्रॉअर बंद करते हुए देख लेती है। आगे पॉल उस एनवलप को टेबल पर रखकर एस्पासिया के लिए ड्रिंक रेडी करने लगता है। तब एस्पासिया कहती है क्या तुम्हारे घर में कोई टाई है, मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। आगे पॉल टाई लेने अपने रूम में चला जाता है। तभी एस्पासिया वो ड्रॉअर ओपन करके देख लेती है और एस्पासिया को उस ड्रॉअर में काफी सारा कैश नजर आता है। पॉल के वापस आने से पहले एस्पासिया वापस ड्रॉअर को बंद करके नॉर्मल हो जाती है। पॉल टाई लेकर आता है और एस्पासिया चेयर के साथ उसके हाथ बांध देती है और वो पॉल के साथ चेयर पर भी इंटीमेट होने लगती है। तभी एस्पासिया को उसके ट्रेनर का कॉल आता है जो नीचे कार में ही बैठा हुआ था। उसकी बातें सुनकर एस्पासिया जल्दी जल्दी में वहां से जाने लगती है। घर के बाहर निकलते ही एस्पासिया को पुलिस ऑफिसर पीट और पुलिस ऑफिसर कार्ला मिल जाती है। आगे पीट और कार्ला पॉल के घर में आते हैं उससे पूछताछ करने के लिए और पीट पॉल से पूछता है क्या तुम्हारे पिताजी बहुत रईस थे, क्या वो तुम्हारे लिए बहुत सारा पैसा छोड़कर गए है? तब पॉल कहता है नहीं वो एक फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन आप ये सब सवाल क्यों कर रहे हो? तब पीट कहता है क्योंकि जो लड़की तुम्हारे घर से अभी अभी गई है उसके एक बार किसी के घर पर जाने की फीस तुम्हारे 2 महीने की सैलरी के बराबर है। तब पॉल कहता है लेकिन वो मेरी फ्रेंड थी और वो मुझसे मिलने आई थी। तब कार्ला कहती है और उसने तुम्हारे हाथ में फ्रेंडशिप बेल्ट की जगह टाई बांधी है और वो यहाँ पर अपनी पैंटी भी भूलकर चली गई है। तब पीट कहता है हमें अब बेवकूफ बनाना बंद करो, जो पैसा उस दिन वहां से चोरी हुआ था वो वेस्ट एंड गैंग का था, इसलिए जिसने भी वो पैसा चुराया है आज नहीं तो कल वो लोग उस तक पहुंचकर उसे खत्म कर देंगे। अब मूवी के अगले सीन में हम जैकमेल को देखते हैं जो ठीक होकर अपने घर से निकलता है। तभी रास्ते में जैकमेल के पीछे पीछे एक गाड़ी चलने लगती है और उस गाड़ी से कुछ लोग निकलकर जैकमेल को अपनी गाड़ी में जबरदस्ती बैठाकर ले जाते हैं। दूसरी तरफ पॉल सिल्वियन बिग्रॉस के घर पर जाता है और पॉल सिल्वियन बिग्रॉस से कहता है मैं काफी सीधा आदमी हूँ, मैं एक नॉर्मल जॉब करता हूँ, तुमने मुझसे मेरे बैंक स्टेटमेंट मांगी थी पर उसमें ज्यादा पैसा नहीं है, मेरा सारा पैसा 2 स्पोर्ट्स बैग में है। तब सेल्विन कहता है तो वो वेस्ट एंड गैंग का पैसा है। पॉल कहता है हाँ पुलिस ऑफिसर भी यही सब बोल रहे थे, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तब सेल्विन कहता है क्योंकि ये न्यूज चारों तरफ फैल चुकी है और उन पैसों को यूज करना मतलब बहुत बड़ा खतरा है। तब पॉल कहता है लेकिन मेरे पास ये एक ही चांस है अमीर बनने का, क्या तुम इस काम में मेरी मदद कर सकते हो? अगर तुम चाहो तो हम पैसों को 50-50 बांट लेंगे। आगे पॉल सेल्विन को अपने साथ स्टोरेज शॉप पर ले जाता है जहाँ पर उसने वो पैसों के बैग छिपाए थे। तब सेल्विन अपना चेहरा कैमरों से छुपाते हुए चल रहा था। आगे पॉल सेल्विन को स्टोरेज शॉप का ताला खोलकर वो पैसा दिखाता है और पैसा देखकर सेल्विन कहता है मैं तैयार हूँ तुम्हारा साथ देने के लिए, पर मेरे कुछ रूल्स होंगे, जैसे अभी तक तुम रहते आए हो ठीक वैसे ही रहोगे और कोई भी महंगी चीज नहीं खरीदोगे, जब तक हम इन सारे पैसों को लीगल ना बना दे तब तक तुम इन्हें यूज नहीं करोगे।
तब पॉल कहता है, लेकिन इसमें से मैंने कुछ पैसा निकाल लिया था जो मेरे घर के ड्रॉवर में है, और उसमें से कुछ पैसा मैंने एक स्कॉट को भी दिया था जिसे मैंने घर पर बुलाया था। तब पुलिस ने भी स्कॉट को मेरे घर पर देख लिया था और उन्होंने मुझसे इस बारे में सवाल भी किया था, लेकिन मैंने पुलिस को बता दिया था कि वो मेरी फ्रेंड थी इसलिए मुझसे घर पर मिलने आई थी। मूवी के अगले सीन में हमें व्लादिमीर के साथ शॉन मैकडॉवेल नाम के आदमी को दिखाया जाता है। शॉन मैकडॉवेल ही वो आदमी था जिसकी गैंग का वो पैसा था, और शॉन मैकडॉवेल जैकमेल को टॉर्चर करके उससे पैसों के बारे में पूछता है। काफी पूछने के बाद भी जैकमेल उन्हें उन पैसों के बारे में कुछ नहीं बता पाता। तब शॉन इशारा करता है और शॉन के आदमी चेन को टाइट करने लगते है, और चेन को ज्यादा टाइट करने के कारण जैकमेल के दोनों हाथ टूट जाते हैं। आगे शॉन बाहर आकर व्लादिमीर से कहता है, इसके पास वो पैसा नहीं है, इसका मतलब तुम प्रॉब्लम में हो। पॉल भी एस्पासिया को मैसेज करके उसे मिलने के लिए बुलाता है। दूसरी तरफ एक आदमी को घायल जैकमेल पुरानी गाड़ी के अंदर दिख जाता है। वो आदमी जैकमेल को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है और वहाँ पर पीट और कार्ला उससे मिलने जाते है। दूसरी तरफ एस्पासिया भी एक रेस्टोरेंट में पॉल से मिलने के लिए जाती है, और वहाँ पर पार्किंग में पुलिस भी मौजूद थी जो पॉल के ऊपर 2400 घंटे नजर रख रही थी। पॉल एस्पासिया से रेस्टोरेंट में काफी सारी बातें करता है, और आगे वो दोनों पार्क में घूमते हुए आपस में बातें शेयर करने लगते है, और बातें करते करते साथ में घूमते घूमते सुबह हो जाती है। आगे वो दोनों रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कर रहे होते है, तब एस्पासिया पॉल से पूछती है, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? तब पॉल कहता है, मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बता सकता, वो थोड़ा सीक्रेट है। एस्पासिया पॉल से कहती है, क्या तुम मुझे वो पैसा बता सकते हो? यह सुनकर पॉल एस्पासिया को भी स्टोरेज शॉप तक लेकर जाता है। तब वो देखता है कि स्टोरेज शॉप का ताला टूटा हुआ था और स्टोरेज के अंदर पैसों के वो बैग भी मौजूद नहीं थे। तब पॉल कहता है, सब कुछ खत्म हो गया, अब मुझे वापस डिलीवरी का काम जिंदगी भर के लिए करना होगा, पर एक बात इसमें अच्छी हुई जो तुम मुझे मिल गई। ये सुनकर एस्पासिया गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। पॉल एस्पासिया को समझाने लगता है, पर तभी वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है। पुलिस स्टोरेज चेक करती है तो उसमें पैसा मौजूद नहीं था। तब पुलिस इंस्पेक्टर पॉल से पूछता है, तुम यहाँ पर क्यों आए थे, क्या तुम हमें बता सकते हो? कमीली, ये तुम्हें यहाँ पर लेकर क्यों आया था? तब पॉल कहता है, कमीली, कौन कमीली? तब वहीं खड़ी कार्ला पॉल से कहती है, तुम तो इसके दोस्त थे ना, और तुम्हें इसका असली नाम भी नहीं पता। इसका असली नाम कमीली लाफोंटेन है। तब वहीं खड़ी एस्पासिया यानी कमीली कहती है, इसने स्टोरेज रूम रेंट पर मेरे लिए लिया था क्योंकि मेरा अपार्टमेंट पूरा भर चुका था। पीट को पॉल और कमीली की बात पर विश्वास नहीं होता। तब पीट उन दोनों को ले जाकर जैकमेल के फोटो दिखाता है कि उसे किस तरह से टॉर्चर किया गया था। पीट के काफी डराने धमकाने और समझाने के बाद भी पॉल उसे सच्चाई नहीं बताता। आगे पॉल और कमीली सेल्विन के घर पर जाते है, और सेल्विन को घर पर देखते ही पॉल उस पर हमला कर देता है। तब सेल्विन पॉल को गिराकर कहता है, तुम्हें तुम्हारा पैसा चाहिए ना, ये रहा तुम्हारा पैसा। सेल्विन ने वो पैसों का बैग अपनी अलमारी में रख रखे थे जो पॉल को दिखा देता है। तब सेल्विन कहता है, पुलिस में मेरे कुछ दोस्त थे और उन्होंने मुझे बताया कि वो तुम पर नजर रख रहे हैं, इसलिए वक्त रहते ही मैं सारे पैसों को यहाँ पर ले आया। आगे पॉल सेल्विन और कमीली दोनों को आपस में मिलवाता है। मूवी में आगे पीट और कार्ला जैकमेल से पूछताछ करते है, पर जैकमेल उन्हें कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होता। तब कार्ला अकेले में जैकमेल से उसकी माँ के बारे में इमोशनल बातें करने लगती है कि अगर जैकमेल को कुछ हो जाएगा तो उसकी माँ का क्या होगा। तब जैकमेल कार्ला को सब कुछ सच बताने लगता है, उस दिन हमें रॉबरी करने के लिए व्लादिमीर ने हायर किया था क्योंकि जो भी पैसा वेस्ट एंड गैंग में बटा करता था व्लादिमीर उसमें से अपना ज्यादा हिस्सा चाहता था। उस दिन हमने सोचा भी नहीं था कि व्लादिमीर का बॉडीगार्ड वहाँ पर पहुँच जाएगा, पर उसने वहाँ पर पहुँचकर हमारे सारे प्लान को बर्बाद कर दिया। आगे सेल्विन कमीली और पॉल को लेकर अपनी सीक्रेट जगह पर जाता है, और वहाँ पर सेल्विन गड्ढा खोदकर कहता है, यहाँ पर मैं अपनी सीक्रेट चीजें छुपाया करता था, हम अभी के लिए ये पैसा भी यहाँ पर छिपा देंगे। तब पॉल कहता है, ठीक है, लेकिन हमें जैकमेल की मदद करनी होगी, उससे हॉस्पिटल मिलने जाना होगा। तब सेल्विन कहता है, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। तब पॉल कहता है, उसे इन पैसों की वजह से टॉर्चर किया गया था, लेकिन उसके पास तो ये पैसा है भी नहीं, हमें किसी तरह से उसकी मदद करनी होगी। तब कमीली भी जैकमेल की मदद करने के लिए सेल्विन से कहती है, और मजबूर होकर जैकमेल को भी उनकी बात को मानना पड़ता है। दूसरी तरफ शॉन मैकडॉवेल नाम का आदमी व्लादिमीर से आकर मिलता है, और वो उसे कहता है, वो पैसा तुम्हारे पास से चोरी हुआ, इसलिए तुम्हें हमें वो पैसा चुकाना होगा, और जब तक तुम वो पैसा नहीं चुकाओगे तब तक तुम्हें 5% इंटरेस्ट देना होगा हर वीक का। और व्लादिमीर को धमकी देकर शॉन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सेल्विन भी जैकमेल से हॉस्पिटल में मिलने जाता है, और वो उसे कहता है, एक चाइनीज आदमी तुम्हारे पास आएगा, तुम उसके साथ चले जाना, कुछ लोग है जो तुम्हारी मदद करना चाहते है। तब जैकमेल कहता है, लेकिन पुलिस ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरी हेल्प करेंगे। तब सेल्विन कहता है, पुलिस तुम्हारी हेल्प कुछ ही समय के लिए करेगी,
वो तुम्हें यहाँ से टिकट देकर किसी और जगह पर भेज देगी और खाने पीने का खर्चा दे दिया करेगी। पर कुछ हफ्तों या महीनों बाद तुम जब वापस लौटोगे तो गैंग वाले लोग वापस तुम्हारा यही हाल करेंगे। इसलिए मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा करो, इसमें ही तुम्हारा फायदा है। आगे पॉल और कमिली सेल्विन के साथ होते हैं और पॉल सेल्विन से कहता है हम वो पैसा कब यूज करेंगे। तब सेल्विन कहता है हमें किसी मेजर ऑपरेटर को ढूंढना होगा जो हमारे ब्लैक पैसे को व्हाइट कर दे। तब कमिली कहती है मैं एक आदमी को जानती हूँ, उस आदमी का नाम विल्ब्रो टेस्टेरो है। ये नाम सुनते ही सेल्विन कहता है ये आदमी तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा, लेकिन तुम इसे कैसे जानती हो। कमिली कोई जवाब नहीं देती और सेल्विन समझ जाता है कि वो आदमी कमिली का कस्टमर होगा। आगे सेल्विन कमिली से कहता है तो तुम पॉल के साथ जाओगी और उस आदमी को हमारे काम के लिए मनाओगी। आगे पॉल और कमिली विल्ब्रोड नाम के आदमी के ऑफिस में जाते हैं, पर उनका पीछा पुलिस ऑफिसर पीट और कार्ला भी कर रहे थे। तब विल्ब्रोड कमिली को वहां से जाने के लिए कहता है, पर कमिली किसी तरह से विल्ब्रोड से बात करके उनकी हेल्प करने के लिए उसे मना लेती है। आगे पॉल भी विल्ब्रोड से मिलता है और वो उसे कहता है हमें आपकी हेल्प चाहिए, हमारे पास काफी सारा कैश है जिसे हम कनाडा के बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पॉल और कमिली से मिलने के बाद पीट और कार्ला भी विल्ब्रोड से आकर मिलते हैं और पीट विल्ब्रोड से पूछता है क्या अभी अभी आपके पास कोई मिलने आया था जो आपसे काफी सारा कैश फॉरेन में इन्वेस्ट करवाना चाहता है। तब विल्ब्रोड उन दोनों को अपनी बातों में घुमाने लगता है और उन्हें वहां से जाना पड़ता है। आगे पॉल सेल्विन को भी विल्ब्रोड से मिलवाता है और सेल्विन विल्ब्रोड से कहता है मैंने आपकी काफी तारीफ सुनी है, हम अभी बहुत बड़ी समस्या में फंसे हैं, इसीलिए हम आपकी हेल्प चाहते थे। हमारे पास काफी मात्रा में कैनेडियन कैश मौजूद है और हम उन्हें विदेश में भेजना चाहते हैं, किसी फॉरेन फंड में जिसमें हमारा अकाउंट हो। तब विल्ब्रोड कहता है तो तुम ये पैसा विदेश में हवाला के जरिए भेजना चाहते हो। तब सेल्विन कहता है हाँ आपने बिल्कुल ठीक समझा। तब विल्ब्रोड कहता है मैं अपने किसी क्लाइंट को कोई भी इनलीगल रास्ता नहीं बताता और जो अकाउंट आप विदेशों में खुलवाने के बोल रहे हो वो भी पब्लिक में होंगे, इसलिए वहां पर भी तुम्हारे पैसों पर टैक्स डिपार्टमेंट की नजर होगी। तब सेल्विन कहता है क्या हो यदि हम वो अकाउंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से बनवाए जिनका कनाडा से कनेक्शन हो, जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी या फीफा कमेटी। ये सुनकर विल्ब्रोड कहता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है पर ये करना पॉसिबल है। आगे विल्ब्रोड इस बारे में सोचकर सेल्विन पॉल और कमिली से एक चर्च में मिलता है और विल्ब्रोड वहां पर सेल्विन से कहता है हम तुम्हारे आइडियाज पर काम नहीं कर सकते, तुमने बताया था कि हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से अकाउंट ओपन करवाएंगे, पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम हमारे अकाउंट चैरिटी के नाम से ओपन करवाएंगे, ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा और किसी को शक भी नहीं होगा। हम ऐसी फाउंडेशन के नाम से अकाउंट खुलवाएंगे जो बीमार बच्चों की हेल्प करती है, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। यदि हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से अकाउंट खुलवाएंगे तो हम स्विस बैंक पर ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते, शक होने पर वो कभी भी हमारे अकाउंट को सीज कर सकते हैं, इसलिए हम पैसों को भी डायरेक्ट स्विट्जरलैंड में नहीं भेजेंगे, हम पैसों को यहाँ से लंदन और फिर वहाँ से आयरलैंड ले जाएंगे और उसके बाद सारा पैसा स्विट्जरलैंड में पहुंचेगा। उसके बाद तुम उन पैसों को जैसा चाहे वैसा यूज कर सकते हो, बिजनेस खोल के या खर्च करके। मेरे पास तुम्हारे ऑफर के लिए इंटरेस्टेड क्लाइंट की लिस्ट है। आगे विल्ब्रोड कमिली को अलग ले जाकर एक पेन ड्राइव देता है जिसमें उन लोगों की लिस्ट थी जो पैसे को स्विट्जरलैंड पहुंचाने में उनकी मदद करने वाले थे। आगे विल्ब्रोड सेल्विन और पॉल को कहता है कोशिश करना स्विट्जरलैंड अकाउंट में पैसा जाने के बाद तुम जो भी पैसा यूज करो वो चैरिटी के रूप में करो, इससे तुम्हें टैक्स में एडवांटेज मिल जाएगा और तुम पूरे पैसों का लुत्फ उठा पाओगे। विल्ब्रोड के जाने के बाद सेल्विन पॉल से कहता है हमें एक ऐसी लड़की की जरूरत होगी जिसका मैथ्स अच्छा हो। तब पॉल कहता है मेरी एक्स बैंक में काम करती है, वो हमारा ये काम कर सकती है। आगे सेल्विन पॉल की एक्स गर्लफ्रेंड लिंडा के पास जाता है उससे हेल्प मांगने और लिंडा भी सेल्विन की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ व्लादिमीर को उसकी गैंग वाले मार देते हैं क्योंकि व्लादिमीर उनका पैसा नहीं चुका पा रहा था। पुलिस की टीम भी विल्ब्रोड पॉल और सेल्विन के चर्च वाले फोटो देख लेती है और तब पेट कहता है ये लोग कैश पैसों को विदेश भेजने की तैयारी कर रहे, पर कैसे हमें इसका पता करना होगा। आगे विल्ब्रोड अलग अलग कंट्री में मौजूद बैंकों के बैंक मैनेजर से बात करता है। सबसे पहले वो लंदन में मिस्टर क्रिश्चियन को कॉल करता है जो कि वेस्ट इंडीज डेवलपमेंट बैंक का मैनेजर था। विल्ब्रोड क्रिश्चियन से कहता है मुझे लंदन में एक बैंक अकाउंट खोलना है जिसमें हमारे कुछ लोग आकर पैसे डिपॉजिट करेंगे और तुम्हारे बैंक में पैसा डिपॉजिट होने के बाद तुम्हें ये सारा पैसा शेशेल में उपस्थित मिस्टर अशोक कृष्णा के बैंक अकाउंट में भेजने होंगे। आगे विल्ब्रोड शेशेल में मौजूद अशोक कृष्णा से वीडियो कॉल पर बात करता है और उसे कहता है तुम्हें अपने बैंक में एक एंटिटी अकाउंट खुलवाना होगा जिसमें हम लंदन से काफी सारा पैसा ट्रांसफर करेंगे और पैसा आने के बाद तुम्हें इन पैसों को जर्सी में सबेन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा।
आगे विलब्रॉड जर्सी आइलैंड में सभी नाम की बैंक मैनेजर से बात करता है और उसे कहता है, तुम्हें अपने बैंक में एक चैरिटेबल फंड के लिए अकाउंट खोलना होगा और उसमें हम जो भी पैसा भेजेंगे उसे तुम्हें स्विट्जरलैंड के अनदर फंड अकाउंट में भेजना होगा। इसी तरह से विलब्रॉड स्विट्जरलैंड के बैंक मैनेजर से बात करता है। इस तरह से विलब्रॉड सारे ब्लैक मनी को अलग अलग कंट्री से होते हुए स्विट्जरलैंड बैंक तक पहुंचा देगा। आगे पीट भी कार्ला के साथ आकर विलब्रॉड से मिलता है और पीट विलब्रॉड को वो चर्च वाले फोटो दिखाता है। तब विलब्रॉड गुस्सा होकर कहता है, तुम अपना काम करो, मुझ पर नजर रखो और मैं अपना काम करूंगा। दूसरी तरफ सेल्विन और कमिली वो पैसा जमीन से निकाल कर ले जाने लगते। पॉल भी अपने काम से एक ऑफिस में चला जाता है। तब जो पुलिस वाला पॉल का पीछा कर रहा था वो भी पॉल का पीछा करते करते बिल्डिंग में चला जाता है, पर उसे बिल्डिंग के अंदर कहीं पॉल दिखाई नहीं दे रहा था। वहां पर और भी कई सारे ऑफिस बने हुए थे। दूसरी तरफ सेल्विन कमिली के साथ वो पैसा लेकर पीछे के दरवाजे से अंदर आ चुका था। पुलिस ऑफिसर अभी भी पॉल को ढूंढ रहा था और एक ऑफिस में उसे कुछ लोग बैठे हुए दिखाई देते है। वहां पर पॉल भी मौजूद था और वो पुलिस ऑफिसर पॉल को देखकर वहां से चला जाता है पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने। पॉल ने वहां पर उन लोगों को बुलाया था जिनकी लिस्ट उन्हें पेन ड्राइव में विलब्रॉड ने दी थी। पॉल आगे एक एक करके उन लोगों को ऑफिस में बुलाता है। इनके बैंक अकाउंट में काफी सारा पैसा पड़ा हुआ था। वहां पर एक लेडी आती है जिससे सेल्विन उन लोगों के अकाउंट में मौजूद पैसों के बारे में पूछता है। तब वो लेडी कहती है, अभी मेरे अकाउंट में 28,80,000 डॉलर है। तब सेल्विन कहता है, तो हमारी शर्त यह है जितना भी आपके अकाउंट में पैसा है वो सारा पैसा आपको हमारे ब्रिटिश वेस्ट इंडीज बैंक अकाउंट में डालना होगा और जितना भी पैसा आप डालोगे उसका 15% कैश बढ़ाकर हम आपको देंगे। तब वो लेडी कहती है, मैं तैयार हूँ। आगे वो लेडी सेल्विन के बताए गए बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करती है और पॉल और लिंडा उसी अमाउंट का 15% और कैश बढ़ाकर उस लेडी को देते हैं और वो लेडी काफी खुश होती है क्योंकि बिना मेहनत करे उनके बैंक अकाउंट में जितना पैसा था उतना अमाउंट और उसका 15% उन्हें मिल चुका था। इसी तरह पॉल की टीम वहां बुलाए गए और भी लोगों को उनके बैंक अकाउंट में जितना पैसा था उसे ट्रांसफर करने पर उस अमाउंट का 15% और कैश देने का ऑफर करते हैं और कोई भी इस ऑफर को मना नहीं कर पाता। सभी अपने बैंक अकाउंट में जमा पैसों को सेल्विन के बताए गए अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और पॉल के पास मौजूद सारा कैश जल्दी खत्म हो जाता है। आखिरी आदमी कैश लेकर वहां से जा रहा होता है तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है। तब वो आदमी पुलिस को देखकर अपना बैग छिपा लेता है और पुलिस के जाने के बाद पीछे के दरवाजे से अपनी गाड़ी में वो बैग रखकर वहां से निकल जाता है। पीट पुलिस टीम को लेकर ऊपर पहुंचता है पर उन्हें वहां पर कोई भी कैश नहीं मिलता। पीट पॉल से पूछता है, ये ऑफिस किसके लिए है? तब पॉल कहता है, इस ऑफिस के जरिए हम चैरिटी करने वाले हैं। पुलिस को ना वहां कंप्यूटर मिलते हैं, ना मोबाइल मिलते हैं और ना ही कोई फाइल मिलती है, इसलिए पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ता है। आगे विलब्रॉड गोल्फ खेल रहा होता है तभी उसके पास एक लड़की आती है और वो कहती है, मैं एस्पासिया की फ्रेंड हूँ, आपने उसकी काफी मदद की इसलिए अब मैं उसकी जगह लेने के लिए तैयार हूँ। उस लड़की के बुलाने पर विलब्रॉड उस लड़की के घर पर जाता है पर वो लड़की पुलिस का सेटअप थी और पुलिस वहां पर पहुंचकर रंगे हाथ विलब्रॉड को पकड़ लेती है। एक माइनर लड़की को स्क्वाड के काम में इन्वॉल्व करने के कारण नीचे मीडिया वाले भी खड़े थे और विलब्रॉड को पुलिस पकड़कर ले जाती है। आगे पॉल कमिली के साथ मिलकर एक कम्युनिटी किचन में काम कर रहा था जहां पर वो गरीब लोगों को फ्री खाना खिला रहे थे। तब वहां पर पुलिस ऑफिसर पीट और कार्ला भी आते हैं। तब पॉल उन्हें भी उनकी हेल्प करने के लिए अंदर बुलाता है और वो दोनों भी अंदर आकर गरीबों को खाना खिलाने में हेल्प करने लगते हैं। आगे पॉल और कमिली पॉल के दोस्त जिन को भी एक घर गिफ्ट करते हैं और इस तरह से वो दोनों काफी होमलेस लोगों की मदद करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।